बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइज, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे रहिए। तो आज मैं एक ब्लॉग के साथ आई हूँ, कोई चैलेंजिंग वीडियो नहीं लेकर आई हूँ। और सबसे पहले तो ये व्यूज़ देखिए कितना बढ़िया हो रखा है, ये देखिए बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो मेरा मन हुआ कि बहुत हुआ चैलेंजिंग, आज तो ब्लॉग ही बनाया जाए। तो मैं आज ब्लॉग बनाने वाली हूँ, ब्लॉग शेयर करूँगी आपके साथ। और इंटरेस्टिंग इसलिए होगा कि अब मैं यहाँ से लेके मुझे जाना है नोएडा, वहाँ तक की जर्नी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और इंटरेस्टेड इसलिए भी है कि जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, क्योंकि जो मेरे हस्बैंड जॉब करते थे गुड़गांव से, अब वो नोएडा शिफ्ट हो गए हैं। तो नोएडा जो भी शिफ्टिंग वगैरह होगी विदाउट मी कर रखा उन्होंने अकेले, तो मुझे ना रूम ने मैंने अपना देख रखा है, ना मैंने वो जगह देख रखी है कि किस लोकेशन में मुझे जाना है। तो सब कुछ नया नया सा है, तो आप लोग के साथ शेयर करना तो बनता है, क्योंकि आप तो मेरी यूट्यूब फैमिली हो। और सबसे पहले मैं ये बता दूँ, बहुत लोगों का ये होगा कि मेरा नाम क्या है, क्योंकि चैनल का नाम मैंने अपने बेटे के नाम से स्टार्ट किया है। तो मेरा नाम सोनी है, और मैं उत्तराखंड में रहती हूँ, उत्तराखंड नैनीताल साइड में रहती हूँ। मैं ये भी बता दूँ, बहुत लोग सोच रहे होंगे मैं कहाँ से हूँ। तो मैंने इससे पहले जब मैंने चैनल क्रिएट किया था तो मैंने अपने बारे में बताया था, उसके बाद मैं अब बता रही हूँ। और अभी मुझे जाना है नोएडा, क्योंकि मेरे हस्बैंड आ गए हैं मैं लेने, और शायद मैं जाऊँ तो कल जो भी होगी पैकिंग से लेके जाने तक की जो भी मेरे साथ होगा, मतलब वीडियो जो भी होगा ब्लॉग में पूरा करूँगी। तो ऐसे मेरे साथ जुड़े रहिए, जैसे मेरे चैलेंजिंग वीडियोस को प्यार देते हैं ऐसे मेरे ब्लॉग्स भी देखिए। और मैं कोशिश करूँगी अपने रूटीन वाइज जो भी मैं करती हूँ, जो भी मेरी रियल लाइफ है, मैं वो आपके साथ शेयर करूँ। आई थिंक आपको बहुत अच्छा लगेगा, जो मेरी सिंपल लाइफ है आई थिंक बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत कुछ है मुझे आप लोग से बताना है, बट मैं बताती नहीं हूँ। जैसे जैसे आप लोग मेरे बारे में अगर कुछ जानना चाहते हैं या इंटरेस्टेड होंगे, मेरी लाइफ को देखेंगे, मेरे ब्लॉग्स देखेंगे, तो आप मतलब अच्छा लगेगा। अगर आप कुछ भी पूछेंगे तो मैं अपने ब्लॉग्स में ही आप लोगों को सारी चीज़ें बताऊंगी। तो अभी मैं छत पे हूँ, तो मैंने सोचा कि थोड़ी बातें करती हूँ, मैं ये सारी अपडेट देती हूँ। और बाकी तो मैं कल जा ही रही हूँ, तो नई जगह पे कैसा रहेगा, मेरे हस्बैंड ने मेरा रूम कैसा सेट कर रखा है, कौन सी जगह पे, मतलब कौन सी लोकेशन पे उन्होंने रूम ले रखा है, सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, मुझे भी देखने को मिलेंगी, और अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको भी देखने को मिलेगी। तो अभी मैं यहीं स्टॉप करती हूँ वीडियो, और बाकी मैं बाद में शूट करूँगी, ठीक है? तो अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का भी रखिए, मैं भी अपनी फैमिली का ख्याल रखूंगी। मिलती हूँ थोड़ी देर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ये तब का है जब मैं रेडी हो चुकी थी, जैसा कि मैंने आपसे बताया कि मैं नोएडा जा रही हूँ हस्बैंड के साथ। तो ये आरव से मैं पूछ रही हूँ कि आरव कहाँ जा रही हो, तो आरव बोल रहा है कि पापा के साथ जा रहा हूँ। तो थोड़ी इमोशनल हो गई थी मैं इस टाइम पे, क्योंकि घर है, घर मम्मी पापा को छोड़ के जाना थोड़ा बुरा तो लगता ही है, सभी को लगता है। तो इतनी दिन रहती हूँ उनके साथ, जब ऐसे जाना होता है तो बहुत बुरा लगता है, और मैं रोना नहीं चाहती थी उनके सामने, क्योंकि अब हर बार का यही रहता है जब जाओ तो बहुत ही बुरा फील होता है, पर क्या करें, आंसू निकल ही जाते हैं। मम्मी भी रोती है, तो मम्मी के सामने ज़्यादा रोती नहीं हूँ मैं, क्योंकि वो फिर याद करती है आरव को तो ज़्यादा रोने लगती है। या आरव से पूछ रही हूँ, आरव कहाँ जा रही हो नानी को छोड़ के? आरव मेरे पर्स पे खड़ा हुआ है और बहुत शैतानी कर रहा है, तो उसको पता क्या है कि मैं जा रहा हूँ पापा के साथ। वो कुछ ज़्यादा ही मतलब इतराते हैं ना बच्चे, तो बहुत ओवर एक्टिंग कर रहा था वो कि मैं जा रहा हूँ। और ये पता है इतना वो है कि और दिन नाना नानी को छोड़ता नहीं, पर आज उसको लग रहा था कि आज मेरी पैकिंग हो गई है मैं जाऊँगा, तो उनके पास जा भी नहीं रहा था। और ये देखिए स्टेशन का सीन है, और हम लोग गाड़ी से यहाँ हमारे वहाँ रुद्रपुर स्टेशन पे आ गए हम, और मुझे लगा कि स्टेशन बहुत खाली होगा, पर ऐसा कुछ नहीं है, लोग जिनको जाना है वो आ रहे हैं जा रहे हैं। तो मैं थोड़ा थोड़ा क्लिप ले रही थी, क्योंकि भीड़ बहुत थी, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था सबके सामने कैमरा उठाना, और डर भी लग रहा था। और ये देखिए आरव को मैंने मास्क लगाया था, पर आरव ने नहीं लगाया था, तो इसलिए मैंने सैनिटाइज़र उसको सब करके उसको सेफली रखा है अपने पास। बच्चा है, लगाता ही नहीं है तो क्या कर सकते हैं, पर मैं बहुत कोशिश करती थी कि लगाओ, पर इसने गाड़ी में तो लगा के आया, पर स्टेशन पे आते ही इसने निकाल के फेंक दिया। और यहाँ पे होने लगी बहुत ज़ोर की बारिश, तो मुझे डर लग रहा था कि प्लेटफॉर्म से आगे जाना पड़ा तो हम भीग जाएंगे, क्योंकि हमारा 7-4 था, जो कोच संख्या होती है वो मेरा 7-4 में था, तो शायद यहीं लगनी थी वो डिब्बे सामने आने से, तो हम यहीं रुके थे। मतलब डर लग रहा था कि अगर आगे जाना पड़ा तो फिर क्या कहते हैं भीग जाएंगे, सामान भी था ही, एक दो बैग थे ही, तो इस वजह से यहाँ पे आरव थोड़े पापा के साथ शैतानी।
आरू क्या रख रहा है? क्या आरव को जब पैसे मिलते हैं ना तो जेब में रखता है, उसको बहुत शौक है। तो वहाँ पे शायद उसको कुछ मिले थे पैसे नाना नानी से, तो वो जेब में रख रहा था। जो मतलब ऐसे पैसे थे जो तो मैंने रख लिए थे, 10 रुपये मैंने अपने पास से दिया था, क्योंकि बाकी पैसे वो खो देता, तो इस वजह से वो बहुत मतलब दिखा रहा है। उसको बहुत है कि ट्रेन कब आएगी, कब मैं ट्रेन में जाऊँगा, उसको सब कुछ पता चल रहा है कि क्या होने वाला है, क्योंकि अब थोड़ा बड़ा हो गया तो समझता है हर बात को। तो बहुत एक्साइटेड है कि ट्रेन आए और ट्रेन में बैठूं। बार बार पूछ रहे मम्मी ट्रेन कब आएगी, और यहाँ बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। बहुत ज़ोर की बारिश आ रही थी, तो डर भी लग रहा था कि मतलब ऐसा मौसम हो रहा है, पता नहीं, डर तो लगता ही है। और ऊपर से ये कि जैसे बीमार ना पड़ जाए, इतनी मतलब ऐसा ठंडा मौसम हो गया था। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं अपनी सीट पर बैठ गए। ट्रेन ऑलमोस्ट खाली थी, ज़्यादा पैसेंजर नहीं थे, फिर भी वो था कि हमने अपनी सीट को क्लीन किया, सैनिटाइज़ किया, तब हम लोग बैठे हैं। और बुरा बहुत लग रहा था मम्मी पापा को छोड़ के। आरव भी वहाँ से आ गया था कि अब नई सिटी में जाना है, देखा नहीं है, समझा नहीं है कैसी जगह है, मतलब ये दिमाग में चल ही रहा था बहुत ज़्यादा कि क्या है क्या नहीं। और बस सबसे बड़ी बात तो ये चल रही थी दिमाग में कि हम अच्छे से सेफली पहुँच जाए जहाँ जाना चाहते हैं। मतलब जो आज का टाइम चल रहा है, जितनी मतलब आप समझो, मैं अपने बताना नहीं चाहती, तो बस हम यही सोच रहे थे कि जो भी है अच्छे से हम पहुँच जाए, क्योंकि कोरोना काल में कोई मतलब नहीं बता सकता है किसके साथ कब क्या हो जाए। तो यहाँ पे हम गाजियाबाद स्टेशन पे उतर गए हैं, और पहली बार मैं इस स्टेशन पे आई हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है। यहाँ से फिर हम कैब करते हैं, और यहाँ पे भी इतनी ज़ोर की बारिश कि हम क्या बताएं। उस दिन तो हम परेशान ही हो गए, बहुत बारिश बहुत बारिश, कैब भी नहीं आ रही थी, इतनी बारिश हो रही थी। तो हमने कम से कम 20 मिनट तो वहीं मतलब स्टेशन पर ही किया था, और यहाँ से आगे हमें कुछ। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से बताया था कि मैं हस्बैंड के साथ नोएडा आ गई हूँ, तो फाइनली मैं पहुँच गई हूँ। और थकान भी बहुत ज़्यादा हो गई है, फेस से भी लग रहा होगा। तो मैंने सोचा कि इस व्लॉग का एंड करती हूँ। तो मैंने अभी इसमें कुछ भी नहीं शेयर किया है, ओनली अपनी जर्नी शेयर करी है, जो ट्रैवलिंग टाइम है वो शेयर किया है, घर से निकलने के बाद जो भी हुआ रास्ते में, जो भी मैंने कैप्चर किया वो सब कुछ आपके साथ शेयर किया है। और ये ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। इसके बाद मैं यहाँ क्या शेयर करूँगी, नोएडा का। तो मेरे साथ ऐसे बने रहिए और अपना प्यार देते रहिए। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। बस मैंने एंड के लिए ये वीडियो ऑन करी है, बनाने के हिम्मत में नहीं हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो चुकी है। आपको पता है कि जब कहीं से आते हैं तो वहाँ अच्छा भी नहीं लगता। तो अभी सच बताऊँ तो ऐसे मन उखड़ा उखड़ा सा है, घर को छोड़ के आई हूँ, अभी अच्छा नहीं लग रहा है। और कुछ प्रॉब्लम्स भी हो गई है, जो कि मैंने सुना था सब कुछ बेटर है, कोई चीज़ की दिक्कत नहीं हुई मुझे, कोई परेशानी नहीं हुई। यहाँ आके मेरे को क्या क्या झेलना पड़ा वो सब आपके साथ शेयर करूँगी, और हंसी भी आएगी। आप लोगों को कहते हैं ना कि ज़्यादा से ज़्यादा किसी चीज़ को लेके एक्साइटेड नहीं रहना चाहिए, सोचना नहीं चाहिए, सब अपोजिट होता है। अब इसके बाद जो ब्लॉग्स आएंगे ना वो बहुत इंटरेस्टिंग होंगे, कैसे मेरे अरमानों पे पानी फिरा है ना, अब पता चलेगा नेक्स्ट ब्लॉग में। तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो प्लीज़ नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं आपके साथ, तब तक के लिए बाय बाय, क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, फिर देखना क्या हुआ यहाँ आने के बाद, वो उसमें पता चलेगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।